नमस्कार, मैं हूँ सीमा संजय और आप देख रहे हैं मेरे साथ जिले के सबसे तेजी से बढ़ता वेब चैनल जांजगीर एक्सप्रेस 07। आज हम आपको लेके चलते हैं अंचल की ताजेतरीन खबरों की ओर। खबर देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे खबरों को जल्द से जल्द देख सकें। आज तहसील कार्यालय जयजयपुर के सामने जयजयपुर क्षेत्र के चहेते ऊर्जावान किसान हितैषी जनप्रिय युवा दिल की धड़कन लोकप्रिय विधायक माननीय केशव प्रसाद चंद्र के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। मुख्य विषय जो मुख्य मांगे जयजयपुर से है, पिहरीद होते हुए माल खरोदा सड़क निर्माण, किसानों की जमीन का ऑनलाइन में त्रुटि का सुधार करें, पटवारियों द्वारा किसानों में अवैध राशि वसूलने के संबंध में शौचालय की प्रोत्साहन राशि विभिन्न ग्राम पंचायत के हितग्राहियों को न मिलने, किसानों का कार्य सही समय पर न होना, इन्हीं कारणों को लेकर माननीय विधायक द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आज 6 जून 2019 को प्रातः 10 बजे जोर शोर से पूरे क्षेत्र के किसान मजदूर एवं हितग्राहियों के द्वारा आज धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए देखें जांजगीर एक्सप्रेस 07 छत्तीसगढ़ हसौद में भूपेंद्र रहले के साथ। पूर्व में उसकी ज्ञापन दिए हैं कलेक्टर साहब को, तहसीलदार साहब को, कि हमारी जायज मांग है, आप इस पे निराकरण करें, अन्यथा हम जो है आज 8 तारीख को जो है एक दूसरी धरना प्रदर्शन करके आंदोलन करेंगे। प्रमुख रूप से जो है आज किसान का रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं है, जिसके कारण हमको समिति में कर्जा नहीं मिल पा रहा है। हम कुछ सशंकित हैं कि हमारा जमीन कहाँ गया। जमीन के मालिक हो करके भी आज हम जमीन से वंचित है, कर्जा नहीं ले पा रहे हैं, तो ये प्रमुख मांग था। शौचालय का भुगतान नहीं हुआ है, 12,000 रुपये प्रोत्साहन राशि उसकी मांग है। आबादी पट्टा, जो आबादी पे लोग निवास कर रहे हैं उसकी पट्टा नहीं मिल रहा है, ये है मांग। आपके जो है फसल बीमा में किसानों को लाभ नहीं मिला है, उनके साथ छलावा हुआ है, तो फसल बीमा की मांग है। और ये जो डोलोमाइट के उत्खनन करके प्रदूषण फैला रहे हैं, जिसके कारण दमा, सिलिकोसिस जैसे बीमारी हो रहा है, सड़क को तोड़ रहे हैं, तो उसको बंद किया जाए, ये मांग है हमारी। इन मांगों को लेकर के, ऐसे 12 मांगों को लेकर के आज का यह आंदोलन था। और उसकी ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम से माननीय तहसीलदार महोदय को यहाँ दिए हैं, और इस चेतावनी के साथ कि एक निश्चित समय सीमा पे किसानों की इन जायज मांगों को आप पूरा करें, अन्यथा हम उग्र आंदोलन के लिए।